वालेकुम। तो भाई हम आ चुके हैं जर्मनी के सिटी फ्रैंकफर्ट में। तो भाई तकरीबन 24 घंटे सफर करने के बाद भी आखिर में जर्मनी के सिटी लेमगो पहुंच गया हूं। अच्छा भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि मुझे क्या शौक चढ़ा है ऐसा कि इटली छोड़ के मैं जर्मनी चले जाऊं। मैं घूमने नहीं आया जर्मनी। अगर मैं घूमने आता तो चलो एक दिन की बात थी, दो दिन की बात थी, मैं वापस चला जाता, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ परमानेंट। क्यों इतना सामान हमने भर लिया है कि भाई वेटेज वाला जो मसला है वो हल ही नहीं हो रहा। 20 kg, 10 kg, इतना सामान हम लेके जा रहे हैं, पता नहीं कौन से काफिले में जा रहे हैं। ये दोनों तो फेंकना है, इसके अलावा दो बैग ये, तीन बैग वो, एक बैग ये, एक लगेज ये। जर्मनी वी आर कमिंग। इतने इतने कपड़े जो है ना हमने फेंकने। चल भाई शाबा, चला जाएगा, रख रख, बेहतरीन हो गया। पलटी मार, पलटी मार इसको, खींच इसको, आ गया शाबा। ये भी डाल, बहुत ज़्यादा सामान हो गया था भाई, हमें जो है ना लगेज में इतना अलाव ही नहीं था। पटक पटक इसको भी, ये चीज़। चलो मेरे को by thirst, I'm inspired by worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first, I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Chalo bhai, luggage aa gaya. Welcome to Germany. अस्सलाम वालेकुम। तो भाई हम आ चुके हैं जर्मनी के सिटी फ्रैंकफर्ट में। बड़ा लंबा रास्ता था और बड़ी ख्वारी करने के बाद हम यहाँ पहुँचे, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी वो सुबह के 7 बजे थी। हमारे शहर से वो फ़्लाइट वाले सिटी तक जाना तकरीबन 3 घंटे का सफ़र था, और सुबह के टाइम 5 बजे के बाद ट्रेन चलती है, तो हमें रात से जो है ना उस सिटी में जाके, उस एयरपोर्ट पर जाके बैठना पड़ गया। पूरी रात वहीं पर काली की हमने, फिर उसके बाद सुबह बैठे हैं तो यहाँ तक पहुँचे हैं, और अभी यहाँ से ट्रेन पकड़ के अपने सिटी जाना है। तो वो तो शुक्र है कि भाई यहाँ पे टर्किश खाने मिल जाते हैं आसानी से जर्मनी में, यहाँ पे ये फ़ायदा हलाल खाने के लिए अवेलेबल है। तो उसके अलावा इतना कुछ सामान था हमारे पास कि हमने आधा सामान फेंकने के बावजूद फिर भी इतना सारा सामान बच गया था कि 20 kg लगेज, 10 kg कैबिन बैग, और इसके अलावा स्मॉल बैग जिसमें भी 10 kg भरा हुआ। इतना कुछ सामान लेने के बाद अब जो है ना हम जर्मनी पहुँच गए, तो अब चलते हैं जर्मनी से आगे अपने सिटी लेमगो, जहाँ पर है हमारा हॉस्टल, वहाँ चलते हैं, तो वहाँ आपको दिखाते हैं। अभी हम इतने दूर से जो है ना जर्मनी आए हैं, इटली छोड़ के यहाँ पहुँचे हैं, तो इटालियन खाने जो है ना यहाँ पर लगे हुए स्टॉल्स लगा के इन्होंने रेलवे स्टेशन पे, सिर्फ एक नहीं, एक दो तीन चार, चार स्टॉल्स इन्होंने लगाए हुए जो कि इटालियन खाने और उनकी जो डिशेज है ना वो बेच रहे हैं।
तो भाई अब तक मुझे रात से निकले हुए कितने बजे निकले थे हम? रात के 7 बजे और अभी बज रहे हैं शाम के 6। तकरीबन 23 घंटे हो चुके हैं, अभी तक हम घर पहुंचे नहीं हैं। रात को एयरपोर्ट पे गुजार दी, फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन का सफ़र कर करके थक गए भाई। हमारी अपनी सिटी नहीं आ रही, अभी भी यहाँ पे कनेक्टिंग ट्रेन है, रेलवे स्टेशन पे बैठे 1 घंटा वेट करना है, फिर उसके आगे सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है भाई। पैदल चले जाएं, लेकिन पैदल कैसे जाएं, इतना सारा सामान है। अच्छा, उसके अलावा अभी तक जो खूबसूरती है ना जर्मनी की, वो तो बड़ी बेहतरीन है भाई। छोटे छोटे जैसे नहीं होता गांव, डिस्ट्रिक्ट होता है, छोटे छोटे घर बने हुए, फिर पूरा खाली जंगल की तरह हरियाली, इस तरह के चल लें, उसके अलावा पूरा खाली। फिर थोड़ा आगे जाओ, फिर बड़े अच्छे अच्छे साफ सुथरे घर बने हुए, फिर पूरा खाली। पता नहीं अब हमारा शहर जो है लेमगो वो किस तरह का है, वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। अभी देखते हैं कुछ खाने पीने का कोई सामान हो जाए तो अच्छा है, वरना तो फिर घर जाके ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो तब तक देखते हैं। मुबारक हो, ये है हमारा अपार्टमेंट जहाँ पे हमने रहना है। तो मैं अपना रूम दिखाता हूँ, 15A। बिल आखिर इतनी ख्वारी करने के बाद, इतने घंटे सफ़र करने के बाद जो है ना हम यहाँ पहुँच गए हैं। को लेके चलते अंदर। ये सबके लेटर बॉक्स, मेरा नाम पता नहीं लिखा हुआ कि ये रहा। रूम नंबर 28 एंड इट्स आमिर अली। कुछ भी नहीं अंदर। मज़े की बात ये, मेरा और फराज का तकरीबन साथ साथ ही है, फराज आमिर, बाकी और भी पता नहीं क्या क्या है, सारे यहीं पर रहेंगे। मेरी चाबी, बड़े सारे रूम बने हुए सेपरेट। ये मेरा 28 कहाँ पीछे रह गया, ये 28 आ गया मेरा। और आ गए हम ये अंदर, ये है मेरा रूम। तो भाई तकरीबन 24 घंटे सफर करने के बाद फिर आखिर में जर्मनी के सिटी लेमगो पहुंच गया हूँ। अच्छा भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि मुझे क्या शौक चढ़ा है ऐसा कि इटली छोड़ के मैं जर्मनी चल जाऊँ? मैं घूमने नहीं आया जर्मनी, अगर मैं घूमने आता तो चलो एक दिन की बात थी, दो दिन की बात थी, मैं वापस चला जाता, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ परमानेंट, क्योंकि यहाँ पे करनी है मैंने स्टडी। मेरे जो 2 सेमेस्टर थे वो मेरे इटली में कम्प्लीट हो गए, और जो मेरा 3rd सेमेस्टर है वो है मेरा जर्मनी में। अच्छा, तो ये मैं बताऊंगा कि ये किस तरह से आप एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू दूसरे कंट्री जाके पढ़ते हो और आपका पूरा का पूरा सेमेस्टर किसी दूसरे कंट्री में होता है। अच्छा, उसके अलावा यही नहीं, मैं यहाँ पे इंटर्नशिप भी कर सकता हूँ, और इसके अलावा इसके साथ साथ मैं यहाँ पे जॉब भी कर सकता हूँ। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं कि अगर आप इस तरह एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू आप अप्लाई करते हो तो आपके पास चांस होता है जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह दूसरे कंट्री जाके वहाँ पे स्टडी कंप्लीट करने का। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं तफसील से बताऊंगा कि ये प्रोग्राम पे आप किस तरह अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इटली की ऐसी है जो कि आपको ये प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखें, आपको स्कॉलरशिप जो इटली देती है ना 7,600 यूरो, वो तो आपको कंप्लीट मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप दूसरे कंट्री जाके पढ़ते हो तो वो इटालियन यूनिवर्सिटी खुद भी आपको जाके पढ़ने के पैसे एक्स्ट्रा दे रही होती है। तो 7,600 तो एक्स्ट्रा हो गए, उसके अलावा प्लस आपको कुछ अमाउंट मिल रही होगी दूसरे कंट्री जाके स्टडी करने के लिए। तो ये सारी डिटेल मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ ज़रा आराम करने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।